कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ बन रहा है गोलगप्पे। तो आज करेंगे गोलगप्पे चैलेंज दो बहनों में, कौन सबसे ज्यादा खाएगा तो उसी को हम लोग विनर मानेंगे। तो अभी तो मैं गोलगप्पे की तैयारी कर रही हूँ और हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उन्हीं लोगों में मैं चैलेंज कराऊंगी। चलिए आप लोगों को मिलवा देती हूँ कौन कौन लोग आए हुए हैं। हमारी ननद है, हाय करो, मेरी ननद है, लड़की की शादी थी तो ये लेकर आई है मायके अपने, तो भात खिलवाएंगी। तो वही हमारे यहाँ का रसम होता है शादी के बाद भात खिलवाना ननिहाल का, तो वही होगा। और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिए भी थोड़ा सा इनकी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर करें और सब लोगों को गोलगप्पा चैलेंज करवाएं कौन सबसे ज्यादा खाएगा। आप लोगों को भी मस्ती होगी, हम लोगों का भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट लोगों से मिलवा देती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, तो देखिए ये उनकी बड़ी लड़की है आरे, और ये छोटी लड़की तो यही करेंगी गोलगप्पा चैलेंज। देखते हैं कितना है इनके में दम, कितना खा के दिखाती हैं हमको। अपना नाम बताइए। बंटी। इनका नाम बंटी है। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए और ये रेडीमेड गोलगप्पे हैं, इसे मैं फ्राई करूंगी। और उधर जो है चने मेरी उबल चुके हैं और उसे मैं थोड़ा सा करछी से ये देखिए फोड़ रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से है। इसमें मैं डालूंगी प्याज, हरी मिर्च, धनिया, मतलब उसमें मटर में, और थोड़ा सा भुजिया भी है। और पानी के लिए हमने खटाई और नींबू और हरी मिर्च, हरा धनिया ये सब पीस के रख लिया है। नींबू को बाद में गारूंगी, तो अब पानी जब बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो मैं फुल्की फ्राई कर लूंगी, फुल्की सारा फ्राई करके रख लूंगी, फिर उसके बाद मैं पानी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से पानी आप लोग बनाइए। और इस तरीके से आप लोग पानी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मेरी गोलगप्पे हो रही हैं रेडी। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा ना ही ब्राउन कर रही हूँ, नहीं बस हल्के हल्के आंच में हमें इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। तो इसी तरीके से मैं सारे गोलगप्पे फ्राई कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फुल्की मैंने फ्राई कर लिया है और ये देखिए मैं पानी बनाने के लिए बैठी हूँ। तो ये देखिए ये खटाई है, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, यही सब है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें डालूँगी सादा नमक और काला नमक। काला नमक का जो है स्वाद और बढ़ जाता है, तो काला नमक का ही इस्तेमाल इसमें करिए। पानी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा काला नमक से। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा चेक कर ले रही हूँ कि इसमें नमक बराबर है या नहीं। तो इसमें नमक बराबर है, थोड़ा सा और डालूँगी और दो नींबू है उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। खट्टापन थोड़ा सा और हो जाएगा क्योंकि पानी पूरी का खट्टा जो है पन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। Thank you.
तो ये देखिए ये लोग स्टार्ट हो चुकी हैं, मतलब पानी पूरी खाना चालू कर दिया है। इनको मैंने 10-10 गोलगप्पे दिया है, अभी एक एक गोलगप्पे ये लोग खाई हैं। तो ये देखिए ये लोग खा रही हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा फास्ट खाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, तो कल मैंने वीडियो का एंड नहीं किया था और भूल गई थी, तो सोचा चलिए आज वीडियो का एंड कर देते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं बता दूं कौन गोलगप्पे चैलेंज में जीता है और कौन हारा है। तो चलिए उनसे भी मिल लीजिए। तो ये देखिए गोलगप्पे चैलेंज की विनर हैं, तो यही जीती है गोलगप्पे में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना फास्ट कौन कौन गोलगप्पे खा लेता है। ये तो बहुत ज्यादा फास्ट खा लेती है, और जो सबसे स्लो स्लो खाई है उसको उससे ही मिलवा देते हैं आप लोगों को। देखिए गोलगप्पे चैलेंज में यही हारी हुई है, कैसा लगा बताइए? बहुत बुरा। तो चलिए फिर वीडियो का आप करते हैं एंड। और बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, किस किस के यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सब लोग पसीने पसीने हो रहे हैं, ये देखिए। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलो मौसी, बाय, थैंक यू।